Hey guys, what's up? This is Ronan, तो आज मैं साइबरपंक 2077 के फुल स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक एक्शन रोल प्लेइंग गेम है जो 10th दिसंबर 2020 को रिलीज हुआ था। तो चलिए बिना किसी देरी करे, लेट्स गेट स्टार्टेड। गेम की शुरुआत में प्लेयर्स को तीनों लाइफ पथ में से किसी एक को चूज करने का ऑप्शन मिलता है। हर एक लाइफ पथ में गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट वी का एक शॉर्ट बैक स्टोरी दिया गया है, जिसमें वी की लाइफ कैसे मेन स्टोरी लाइन के साथ जुड़ता है वो दिखाया जाएगा। पहला लाइफ पथ नोमैड्स है। नोमैड्स के क्लैन नाइट सिटी के बाहर एक बैडलैंड्स नाम के रेगिस्तान में रहते हैं। ये लोग लुटेरे हैं जो आजादी पसंद करते हैं, पर ये एक दूसरे के प्रति काफी ईमानदार भी होते हैं और सबसे ऊपर हमेशा अपने फैमिली यानी अपने क्लैन के लोगों को रखते हैं। अगर नोमैड चूज किया जाए तो वी इसी जगह से अपनी बैक स्टोरी शुरू करेगा, जहां वी अपने क्लैन को छोड़ के नाम बनाने और पैसा कमाने के लिए नाइट सिटी में आने का फैसला करेगा। दूसरा लाइफ पथ स्ट्रीट किड्स है, जहां वी नाइट सिटी के लो क्लास लोग जैसे गैंगस्टर, चोर और दलालों के बीच बड़ा हुआ है और चोरी चकारी लूटपाट जैसे इलीगल काम करके उसका गुजारा चलता है। तीसरा लाइफ पथ कॉर्पो है, जहां वी नाइट सिटी का सबसे बड़ा कॉर्पोरेशन एरासका का काउंटर इंटेलिजेंस डिवीजन में काम करता है। नाइट सिटी के कॉर्पोरेट लाइफ में कोई रूल्स, रेगुलेशन, हार्डवर्क या ऑनेस्टी नहीं होता है। कोई भी इस कॉर्पोरेशन में आगे बढ़ने के लिए पावरफुल और रिच बनने की ख्वाहिश में किसी को भी धोखा दे सकते हैं या फिर मार भी सकते हैं। वी को उसका बॉस उसके कॉर्पोरेट राइवल को मारने का ऑर्डर देता है, पर बाद में वी इस चीज को नहीं करने का फैसला लेता है, जिसके वजह से अरासका कॉर्पोरेशन के गुंडे वी से जबरदस्ती का रेजिग्नेशन लेके उसको अरासका कॉर्पोरेशन से निकाल देते हैं और वी से उसका सारा कमाया हुआ पैसा छीन के उसके बैंक अकाउंट को भी सीज कर देते हैं और वी को मजबूरन नाइट सिटी में फिर से सब कुछ शुरू से शुरुआत करना पड़ता है। तो देखा जाए तो हर एक लाइफ पाथ की बैक स्टोरी कुछ ही समय के बाद गेम में मेन स्टोरी लाइन के साथ जुड़ जाता है और हर एक लाइफ पाथ में गेम का मेन स्टोरी लाइन ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। साइबरपंक का मेन स्टोरी लाइन गेम का प्रोटैगनिस्ट वी और जॉनी सिल्वरहैंड के ऊपर बेस्ड है। जॉनी का असली नाम रॉबर्ट जॉन लिंडर है, जो पहले एक अमेरिकन सोल्जर था और साल 2003 में उसने सेकेंड सेंट्रल अमेरिकन वॉर में हिस्सा लिया था, जिसमें उसने एक हाथ भी गंवा दिया था और मजबूरन उसको प्रोस्थेटिक आर्म का सहारा लेना पड़ा। इस वॉर में हजारों अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए और बाद में उनको समझ में आया अमेरिका का करप्टेड गवर्नमेंट सिर्फ दूसरे देशों के लैंड को हड़पने झूठा कहानी बना के ये जंग करवा रहा है पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे कब्जा करने के लिए। ये जानने के बाद बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स की तरह जॉनी भी आर्मी छोड़ के अपना शहर नाइट सिटी में वापस आ गया एक नया लाइफ की शुरुआत करने। मिलिट्री और वॉर जॉनी के लाइफ को पूरी तरीके से बदल के रख दिया था और जॉनी इन बुरी यादों को भुलाना चाहता था, इसलिए नाइट सिटी में लौटने के बाद उसने अपना नाम बदल के जॉनी सिल्वरहैंड रख दिया। बचपन से जॉनी करप्शन के खिलाफ लड़के उसको खत्म करना चाहता है, जिसके वजह से उसने आर्मी ज्वाइन किया था। नाइट सिटी लौटने के बाद भी वो वही करना शुरू किया, पर इस बार करप्शन से लड़ने के लिए उसने गन्स के बदले म्यूजिक का सहारा लिया, जहां शहर के लोगों को करप्टेड गवर्नमेंट और कॉरपोरेशंस का सच्चाई वो अपने गानों के जरिए बताने लग गया। उसने खुद का एक बैंड भी बनाया जिसका नाम था सैमुराई, जो लोगों के बीच काफी पॉपुलर भी बन गया था। पर साल 2008 में उनके बैंड का कीबोर्ड प्लेयर नैंसी को उसके अब्यूसिव बॉयफ्रेंड को जान से मारने के जुर्म में जेल हो गया और सैमुराई बैंड टूट गया और जॉनी उसके बैंड के बिना ही सोलो परफॉर्म करने लग गया। इस दौरान जॉनी को ऑल्ट नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। ऑल्ट एक हाईली स्किल्ड नेटरनर भी है। नेटरनर एडवांस्ड कंप्यूटर हैकर्स को कहा जाता है, जो किसी भी चीज को आराम से हैक कर सकते हैं। ऑल्ट आईटीएस नाम के एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में काम करती है, जहां उसने एक अजीबोगरीब सोल किलर नाम के सॉफ्टवेयर को बनाया है। सोल किलर वायरस एक ऐसा खतरनाक प्रोग्राम है जो किसी भी इंसान के दिमाग से उसके सोल या फिर कॉन्शियसनेस को डिजिटली कॉपी कर लेता है और उसको एक डेटाबेस में स्टोर करके रख देता है, एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में। साथ ही सोल किलर उस इंसान के कॉन्शियसनेस को कॉपी करने के समय उस इंसान के दिमाग से उसके कॉन्शियसनेस को भी पूरी तरीके से मिटा देता है
जिसके वजह से अंत में उस इंसान का बॉडी बेजान हो जाता है, पर एक तरह से उस इंसान का कॉन्शियसनेस साइबर स्पेस पे अमर बन जाता है। दुनिया में सिर्फ कुछ ही मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इस प्रोग्राम को चलाने का क्षमता रखता है। उन्हीं में से एक मेन फ्रेम कंप्यूटर नाइट सिटी में अरासाका टावर में मौजूद है। इस प्रोग्राम के बारे में अरासाका कॉरपोरेशन को पता चल गया था और साल 2013 में जॉनी उसके कॉन्सर्ट खत्म करने के बाद ऑल्ट के साथ जाने के समय जॉनी की आंखों के सामने अरासाका कॉरपोरेशन के गुंडे ऑल्ट को किडनैप करके लेके चले जाते हैं। उसके बाद ऑल्ट को बचाने के लिए जॉनी उसके पुराने बैंड के मेंबर्स और उसका एक्स गर्लफ्रेंड रोक का मदद लेता है। प्लान के मुताबिक जॉनी के बैंड के लोग अरासाका टावर के सामने एक फ्री शो करते हैं और लोग अरासाका के बिल्डिंग के सामने दंगा करना शुरू कर देते हैं और उसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के जॉनी रोग और उसके बाकी साथियों को लेके ऑल्ट को छुड़ाने अरासाका के ऑफिस में घुस जाता है। वह आके जॉनी देखता है बहुत देर हो चुका है और ऑल्ट खुद उसके बनाए गए सोल किलर प्रोग्राम का शिकार बन चुकी है। अरासाका के लोग सोल किलर की मदद से ऑल्ट का कॉन्शियसनेस कॉपी करके उनके डेटाबेस में स्टोर कर लिया है, जिसका फलस्वरूप ऑल्ट मर चुकी है। ये देख जॉनी गुस्से से पागल हो जाता है और रो किसी तरह उसको वहां से लेके चली जाती है। उसके बाद साल 2023 में जॉनी रोग और उसके साथियों के साथ मिलके अरासाका कॉरपोरेशन के राइवल कॉरपोरेशन मिलिटेक के मदद से बदला लेने के लिए अरासाका के हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद अरासाका के गार्ड से लड़ते हुए जॉनी वहां एक बॉम्ब फिट कर देता है, पर उस बिल्डिंग से निकलने के समय जॉनी का सामना अरासाका के साइबोर्ग सोल्जर एडम स्मैशर से होता है, जो जॉनी को घायल करके वहां से भागने से रोक देता है। उस बिल्डिंग में ब्लास्ट होने से पहले एडम स्मैशर जॉनी को वहां से लेके निकल जाता है और सभी लोगों को लगता है जॉनी उस ब्लास्ट में मारा गया है। उसके बाद जॉनी को अरासाका कॉरपोरेशन का हेड सबूरो अरासाका के सामने लाया जाता है, जहां सबूरो ऑल्ट की तरह ही जॉनी के ऊपर सोल किलर प्रोग्राम का यूज करके उसको मार के उसके कॉन्शियसनेस को एक रेलिक नाम के प्रोटोटाइप बायोचिप में स्टोर करके रख देता है। इस घटना के कई सालों बाद 2077 साल में अमेरिका के इकोनॉमिक क्राइसिस, दूसरे देशों के साथ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट्स अमेरिका को तहस नहस करके रख दिया है। ज्यादातर कंटिनेंट्स कोई भी कानून के बिना वॉर जोन्स में बदल गए हैं। नाइट सिटी भी पूरा बदल गया है, पर इस समय सब कुछ पहले से काफी ज्यादा एडवांस भी हो चुका है। अभी लोकल गुंडे से लेके आम लोग भी आर्टिफिशियल साइबरनेटिकली ऑगमेंटेड पार्ट्स अपने बॉडी में इम्प्लांट करने लग गए हैं, जिसके वजह से इंसानों का लाइफ स्पैन भी पहले से कई गुना बढ़ गया है। नाइट सिटी फ्री स्टेट ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया का एक शहर है जो अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में लोकेटेड है। फ्री स्टेट्स होने के कारण यहाँ पे अमेरिका के फेडरल लॉज को नहीं माना जाता है और इस शहर में मौजूद बड़े बड़े कॉरपोरेशंस में अरासाका कॉरपोरेशन फिलहाल इस शहर पे राज करता है और उनके मुताबिक ही यहाँ पे कानून भी बनते हैं। फेडरल लॉ ना होने के कारण इस शहर में क्राइम, करप्शन और वायलेंस एक आम बात हो चुका है। गेम का प्रोटैगनिस्ट वी इसी शहर में रहता है और उसका दोस्त जैकी के साथ मिलकर चोरी चकारी और दूसरे छोटा मोटा इल्लीगल काम करके पैसा कमाता है।
इसके बाद एक दिन जैकी और वी को एक नाइट सिटी का डेक्स्टन नाम का टॉप फिक्सर उसके लिए काम करने के लिए बुलाता है। फिक्सर्स यहाँ पे स्मगलर्स और ब्रोकर्स यानी दलालों को कहा गया है, जो उनके बड़े बड़े क्लाइंट से काम लेके नाइट सिटी के क्रिमिनल्स से वे इलीगल काम जैसे चोरी, डकैती एक्सेट्रा करवाते हैं और उसके क्लाइंट के साथ मिलके ब्लैक मार्केट में उन चीजों को बेच के मुनाफा बांट लेता है। वी उस काम के बारे में जानने के लिए डेक्स्टर से आके मिलता है। डेक्स्टर वी को एक रेलिक नाम का बायोचिप चोरी करने को बोलता है, जो एरासा कॉरपोरेशन की है, और ये वही बायोचिप है जिसमें 50 साल पहले जॉनी सिल्वरहैंड की डिजिटल सोल यानी उसके कॉन्शियसनेस को स्टोर करके रखा गया था। एरासा का नाम सुनते ही वी डर जाता है, क्योंकि एरासा नाइट सिटी के सबसे पावरफुल और खतरनाक कॉरपोरेशन है। जवाब में डेक्स्टर बताता है इस काम में रिस्क बहुत है, पर इस काम को करने के बाद वी और जैकी मालामाल हो जाएंगे। डेक्स्टर बताता है इस काम को किसी भी कीमत पे छुपके करना पड़ेगा ताकि किसी को पता ना चले इस चोरी के पीछे कौन है। डेक्स्टर का क्लाइंट एवलिन से मिलने के बाद वी को इस मिशन के बारे में और भी डिटेल्स में पता चलता है। एवलिन बताती है वो बायोचिप अभी एरासा के कॉन्पेकी प्लाजा नाम के होटल में सिक्योरली रखा गया है। इस होटल में एरासा का हेड सबूरो एरासा का बेटा योरिनोवो एरासा रहता है और उसी के रूम में वो बायोचिप रखा गया है। इवलिन बताती है योरिनोवो का उसके पिता के साथ संबंध ठीक नहीं है और उसने हाल ही में उस बायोचिप को एरासा लैबोरेटरी से चुरा के लाया है ताकि बाद में वो नेटवर्च नाम के ऑर्गेनाइजेशन में उसको बेच के प्रॉफिट कमा सके। उसके बाद जैकी और वी फॉल्स आइडेंटिटीज दिखा के कॉन्पेकी प्लाजा होटल में गेस्ट बन के घुस जाते हैं और किसी तरह छुप के योरिनोवो के रूम में घुस के उस बायोचिप को भी हासिल कर लेते हैं। पर वहां से निकलने के समय योरिनोवो अपने बॉडीगार्ड एडम स्मैशर के साथ उस रूम के अंदर आ जाता है और मजबूरन वी और जैकी वहां से निकलने के बजाय एक जगह पे छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पे एरासा कॉरपोरेशन का मालिक और योरिनोवो का पिता सबूरो एरासा भी अपने बॉडीगार्ड टाकीमुरा के साथ आ जाता है। सबूरो दोनों बॉडीगार्ड्स को बाहर जाने को बोलता है ताकि वो अपने बेटे से अकेले में बात कर पाए। सबूरो उसके बेटे को बताता है उसे पता चल गया है उसी ने बायोचिप को चुराया है और उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और गुस्से में योरिनोवो अपने पिता को गला घोट के वी और जैकी के आंखों के सामने मार देता है। उसके बाद योरिनोवो पूरे होटल को लॉक करने का ऑर्डर देता है और सबको बताता है उसके पिता को किसी ने जहर दे के मार दिया है। सबूरो का बॉडीगार्ड ताकीमुरा उसको बताता है मुझे तुम पे शक है, पर उसके पिता के मरने के बाद योरिनोवो अब एरासा का हेड बन चुका है, इसलिए ताकीमुरो उसके खिलाफ कोई स्टेप लेने का हिम्मत नहीं करता है। वो लोग वहां से जाने के बाद होटल में लॉकडाउन होने की वजह से वी और जैकी विंडो से निकल के बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाते हैं। उनको एरासा के ड्रोन्स भी हमला करते हैं जिससे जैकी घायल हो जाता है, साथ ही बायोचिप का कंटेनर भी डैमेज हो जाता है। मजबूरन जैकी उस बायोचिप को डैमेज होने से रोकने के लिए उसको उस कंटेनर से निकाल के अपने ब्रेन के चिप स्लॉट में इंसर्ट कर लेता है, पर वहां से निकलने के बाद बुरी तरीके से घायल जैकी मरने से पहले उस बायोचिप को वी को दे देता है और वी उसको अपने दिमाग के चिप स्लॉट में इंसर्ट कर लेता है। थका हारा वी डायरेक्टली डेक्स्टर के पास मदद मांगने आ जाता है, पर डेक्स्टर उल्टा उसका नाम सबूरो एरासा के मर्डर और बायोचिप के चोरी से निकालने के लिए डर के मारे वी को ही गोली मार देता है। दूसरे दिन वी को एक कचरे के ढेर में होश आता है जहां उसको अचानक जॉनी सिल्वरहैंड के कुछ यादें दिखने लगते हैं। उसी वक्त वहां सबूरो का बॉडीगार्ड ताकीमुरा डेक्स्टर को लेके वहां आ जाता है। डेक्स्टर बताता है भाई मैं तुमको वी के बॉडी तक लेके आ गया, अब प्लीज मुझे छोड़ दो, हम दोनों मिलके इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन जरूर निकालेंगे। पर ताकीमुरा डेक्स्टर को गोली मार के वी को लेके वहां से निकल जाता है। योरिनोवो को ये बात पता चलने के बाद वो वी के साथ ताकीमुरा को भी मारने के लिए एरासा के गुंडे को भेजते हैं।
अरासाका के गुंडे से किसी तरह बचने के बाद इस हमले से टाकेमुरा कंफर्म हो जाता है योरिनोबु ने ही उसके पिता को मारा है और सबुरु के खून का वी एक लौता गवाह है, इसलिए उसको योरिनोबु मार देना चाहता है। वी टाकेमुरा को लेके उसके दोस्त विक्टर के पास आ जाता है जो एक रिपर डॉग है। रिपर डॉग्स एडवांस डॉक्टर्स को कहा जाता है जो इंसानों के बॉडी में साइबरनेटिक आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स लगाने और उनको रिपेयर करने में माहिर है। विक्टर वी को बताता है वी ने उसके दिमाग में जो रेलिक नाम के बायोचिप को लगाया है वो असल में एक पर्सनालिटी ट्रांसफर चेक है जिसमें जॉनी सिल्वर हैंड का कॉन्शियसनेस मौजूद है। विक्टर दुखी होकर बताता है ये बायोचिप धीरे धीरे वी के दिमाग से उसके कॉन्शियसनेस को इरेज करते हुए जॉनी सिल्वर हैंड के कॉन्शियसनेस को डालता जाएगा और कुछ ही हफ्तों में वी पूरी तरीके से जॉनी में बदल जाएगा और वी के कॉन्शियसनेस पर्सनैलिटी मेमोरीज किसी का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। डेक्स्टर वी को गोली मारने के बाद वी असल में मर चुका था पर उस बायोचिप में मौजूद नैनाइट्स उसके दिमाग को हील करते हुए वी को फिर से जिंदा कर दिया और अब उस चिप में मौजूद जॉनी का कॉन्शियसनेस वी के बॉडी पे कुछ हफ्तों में फुल्ली कब्जा कर लेगा। विक्टर वी को बताता है उसको पता नहीं है इसका क्या सोल्यूशन है और उस चिप को उसके दिमाग से निकालने से वी उसी वक्त मर जाएगा। अंत में विक्टर वी को अरासाका इंजीनियर से मदद मांगने का सुझाव देता है जिन्होंने इस बायोचिप को बनाया है। जैकी का गर्लफ्रेंड मिस्टी वी को उसके घर तक छोड़ देती है और उसको दो टाइप के टैबलेट्स देती है। पहला टैबलेट खाने से जॉनी के यादें और कॉन्शियसनेस से वी को कुछ समय के लिए छुटकारा मिल सकता है और दूसरा टैबलेट खाने से जॉनी का कॉन्शियसनेस कुछ समय के लिए वी के दिमाग पे पूरी तरीके से हावी हो जाएगा और कौन सा टैबलेट खाना है वो वी के ऊपर छोड़ के मिस्टी वहां से चली जाती है। उस रात वी को जॉनी का डिजिटल घोस्ट दिखाई देता है और डर के मारे वी मिस्टी का दिया हुआ टैबलेट खा के सो जाता है। दूसरे दिन टाकेमुरा वी से मिलके बोलता है योरिनोबु ने अभी उसके पीछे भी अरासाका के लोगों को लगा दिया है पर वो सबुरु अरासाका के मौत का बदला जरूर लेगा और वी उसके मौत का गवाह बनेगा। कुछ देर बाद फिर से जॉनी का कॉन्शियसनेस वी के साथ बात करने लगता है। जॉनी बताता है उसको समझ में आ गया है अचानक 50 साल के बाद वो वी के दिमाग में फिर से कैसे जिंदा हो गया पर उसको वी को मारने का यानी उसके कॉन्शियसनेस को इरेज करने का कोई इच्छा नहीं है। ये सब कुछ उस बायोचिप के वजह से ऑटोमेटिकली हो रहा है और वो दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जॉनी को अरासाका से बदला चाहिए और वो एडम स्मैशर को मारना भी चाहता है। बदले में जॉनी वी को उस बायोचिप को किसी तरह वी के दिमाग से निकालने में हेल्प करेगा। जॉनी बताता है सोल किलर प्रोग्राम के मदद से वी के कॉन्शियसनेस को बचाया जा सकता है, साथ ही उनको मिकोशी नाम का एक जगह ढूंढना पड़ेगा जहां सोल किलर से लोगों को मारने के बाद अरासाका उनके कॉन्शियसनेस को स्टोर करके रख देते हैं। मिकोशी को एक डिजिटल सोल्स का प्रिजन भी कहा जा सकता है जहां अरासाका के सारे विक्टिम्स के कॉन्शियसनेस कैद है। जॉनी का मानना है ऑल्ट का कॉन्शियसनेस उनको इन चीजों में हेल्प कर सकती है क्योंकि ऑल्ट मरने के बाद उसका डिजिटल फॉर्म किसी तरह अरासाका के कैद से इंटरनेट में भाग गई थी और वी को ऑल्ट को ढूंढ के उसके कॉन्शियसनेस से बात करना चाहिए। उसके बाद से जॉनी का कॉन्शियसनेस हर समय वी के हर एक मिशन में उसके साथ मौजूद रहता है और उसको गाइड भी करता है। वी उस बायोचिप को निकालने के लिए पहले इवलिन को ढूंढ के उसके मदद लेने की कोशिश करता है। इस दौरान उसको पता चलता है इवलिन एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस बनना चाहती थी पर नाइट सिटी ने उसको एक नाइट क्लब में प्रोस्टिट्यूट बना के रख दिया और अपने टॉर्चर्ड और एब्यूसिव लाइफ से तंग आके इवलिन सुइसाइड कर लेती है। इवलिन के मेमोरीज से वी को पता चलता है ब्रिजिट नाम की एक औरत ने इवलिन को अरासाका से उस बायोचिप को चुराने का जॉब दिया था और ब्रिजिट एक नेट रनर यानी एडवांस कंप्यूटर हैकर है जिसको इस बायोचिप के बारे में काफी कुछ पता है। उसके बाद वी फादर इन्वेस्टिगेट करते हुए वुडू बॉय नाम के आतंकवादी दल का लीडर ब्रिजिट को नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के कब्जे से छुड़ाता है ताकि ब्रिजिट वी को ऑल्ट से बात करने में हेल्प कर पाए। उसके बाद ब्रिजिट वी के कॉन्शियसनेस को ऑल्ट से बात करवाने के लिए साइबर स्पेस में भेजती है। साइबर स्पेस इंटरनेट का ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड है जो एक ब्लैक वॉल यानी फायरवॉल से प्रोटेक्टेड है। ये फायरवॉल नेटवर्क का ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है ताकि उसको तोड़ के ऑल्ट के जैसे फ्री रोमिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाकी के वर्चुअल वर्ल्ड पे घुस के मैलवेयर और वायरस छोड़ के पूरे दुनिया के टेक को अपने हाथ में ना ले पाए। दूसरी तरफ ब्रिजिट जैसे आतंकवादी ब्लैकवेल के उस पार के फ्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलके इंटरनेट के थ्रू पूरे वर्चुअल वर्ल्ड पे कब्जा करना चाहती है।
साइबर स्पेस पे घुसने के बाद वी फाइनली ऑल्ट से मिलता है। ऑल्ट वी को बताती है वो मिकोशी में घुस नहीं पाएगी, इसलिए उसको पहले फिजिकली किसी चिप में लेके अरासाका टावर के अंदर घुसना पड़ेगा। फिर ऑल्ट को वहां से मिकोशी में इंसर्ट करना होगा। उसके बाद ऑल्ट मिकोशी को डिस्ट्रॉय करके सारे कैद किया हुआ डिजिटल सोल्स को आजाद कर देगी और मिकोशी के अंदर मौजूद सोल किलर प्रोग्राम की मदद से ऑल्ट वी के कॉन्शियसनेस का एक कॉपी बनाएगी। फिर जॉनी के कॉन्शियसनेस से वी के ओरिजिनल कॉन्शियसनेस को अलग करेगी और वी का न्यूली मेड कॉन्शियसनेस को वापस वी के बॉडी में इंसर्ट कर देगी। पूरा प्लान समझने के बाद ऑल्ट वी को एक सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल का एड्रेस देती है ताकि वी उसको बिना किसी प्रॉब्लम के कॉन्टैक्ट कर पाए जब वो इस प्लान को अंजाम देने के लिए रेडी है और वी साइबर स्पेस से बाहर आ जाता है। उसके बाद वी जॉनी का एक्स गर्लफ्रेंड रोक से मिलके एंड्रस हेलमन नाम का एक अरासाका इंजीनियर जिसने ये बायोचिप बनाया था उसको किडनैप करने का प्लान बनाता है। एंड्रस को नाइट सिटी के बाहर के रेगिस्तान में किडनैप करने के लिए रोक के लिए काम करने वाली एक पैनम नाम की मशीनरी वी का हेल्प कर सकती है। पैनम एक नोमैड थी पर उसके क्लैन के साथ झगड़ा होने के बाद वो अभी एक मशीनरी बन के नाइट सिटी में काम करती है। नोमैड होने के कारण पैनम को रेगिस्तान के हर एक रास्ता पता है। पैनम से मिलने के बाद वी पहले उसके चुराया गया कार और सामान वापस लेने में पैनम की मदद करता है। उसके बाद पैनम की मदद से वी एंडर्स को किडनैप कर लेता है और वी एंडर्स को उसके बनाए गया बायोचिप को कैसे वी के दिमाग से निकाला जा सकता है उसके बारे में पूछता है। जवाब में एंडर्स बताता है वी का बॉडी इस बायोचिप के लिए एक होस्ट जैसा है और इस बायोचिप को ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि वो किसी भी कीमत पे उसके होस्ट पे धीरे धीरे फुल्ली कब्जा कर लेगा। वी का कॉन्शियसनेस इस बायोचिप के लिए एक ट्यूमर के जैसा है जिसको मिटाने के बाद ही वो बायोचिप वी के बॉडी में फुल्ली कब्जा कर पाएगा और वी का कॉन्शियसनेस का एग्जिस्टेंस पूरी तरीके से मिट जाएगा। ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इस बायोचिप को जबरदस्ती वी के दिमाग से निकालने का मतलब है वी का मौत। एंडर्स से कोई मदद ना मिलने के कारण वी उससे उस बायोचिप का ब्लूप्रिंट ले लेता है जहां उस पर्सनालिटी ट्रांसफर प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स मौजूद है और उसको टाकेमुरा के हवाले करके वहां से निकल जाता है। उसके बाद टाकेमुरा के कहने पे वी उसके साथ मिलके सबुरो अरासाका की बेटी हेनाको अरासाका को किडनैप कर लेता है क्योंकि योरिनोबू ने टाकेमुरा के खिलाफ गद्दार बनने का झूठा इल्जाम लगा के उसको अरासाका कॉरपोरेशन से निकाल दिया है और अरासाका के गुंडे उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। टाकेमुरा हेनाको को अकेले में उसके बेगुनाही साबित करके हेनाको को उसके भाई योरिनोबू का असलियत बताता है और वी भी बताता है उसके आंखों के सामने योरिनोबू ने सबुरो अरासाका को गला घोट के मार दिया था। हेनाको कुछ कहने से पहले ही अरासाका के लोग वहां हमला करके टाकेमुरा को मार के हेनाको को वहां से रेस्क्यू कर लेते हैं और वी किसी तरह वहां से भाग जाता है। बाद में हेनाको वी के साथ अकेले में मिलती है। हेनाको बताती है उसको उसके भाई पे पहले से ही शक था बल्कि अरासाका कॉरपोरेशन के सारे बोर्ड मेंबर्स को भी पता है उसके बेटे ने ही उसका खून किया है पर किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है और अब वी सबुरो अरासाका के खून का लिविंग प्रूफ है और हेनाको को पता चला है उसका भाई अभी उसे भी मारना चाहता है। हेनाको वी को बताती है वो वी को मिकोशी तक पहुंचने में मदद करेगी जो अरासाका टावर के नीचे लोकेटेड है। बदले में वी को अरासाका के बोर्ड मेंबर्स के सामने योरिनोबू के खिलाफ गवाही देना पड़ेगा ताकि योरिनोबू को सजा मिले। हेनाको वी को इस डील के बारे में सोचने के लिए बोलती है और वी से वादा भी करती है कि वो वी के दिमाग से उस बायोचिप को निकालने में मदद करेगी। उसके बाद वी पैनम से जाके मिलता है जहां उसको पता चलता है पैनम ने फिर से उसके पुराने नोमैड क्लैन में उसके दोस्तों के साथ रहने का फैसला किया है पर पैनम के क्लैन के लीडर सोल को रैथ नाम के एक राइवल क्लैन ने किडनैप कर लिया है। वी पैनम के साथ मिलके सोल को उनके कब्जे से छुड़ाता है। पैनम के साथ अलग अलग मिशंस करते हुए वी और पैनम एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं और पैनम वी को उनके क्लैन का मेंबर बनके उनके साथ रहने का रिक्वेस्ट करती है पर वी का तबीयत दिन ब दिन और भी खराब होता जा रहा था इसलिए वी उसके दिमाग के बायोचिप को निकालने के लिए पैनम से वापस लौटने का वादा करके वहां से चला जाता है। पैनम और सोल वी को बताते हैं उनका क्लैन उसका मदद करना चाहता है और अगर वी चाहे तो पैनम का पूरा क्लैन वी का मदद करके उसे इस मुसीबत से जरूर निकालेगा। वी पैनम को बताता है इस बारे में वो सोचेगा और अगर जरूरत पड़े तो वो जरूर पैनम को उसके मदद के लिए बुलाएगा। उसके बाद विक्टर वी के तबीयत को देख के बताता है तुम्हारे पास बहुत ही कम समय बचा है इसलिए तुमको जल्द से जल्द क्या करना है वो डिसाइड करना पड़ेगा।
वी जॉनी के साथ बैठ के उनको क्या करना चाहिए वो डिस्कस करता है और तभी प्लेयर्स को कुछ ऑप्शंस दिया जाता है। पहला ऑप्शन है जॉनी के कॉन्शियसनेस को वी के बॉडी का फुल कंट्रोल दे देना ताकि जॉनी रोक के साथ मिलके अरासाका टावर में घुस के मिकोशी तक पहुंच पाए। दूसरा ऑप्शन है हैना को अरासाका के ऑफर को एक्सेप्ट करके उसके भाई के खिलाफ गवाही देके उसका मदद लेना और तीसरा ऑप्शन है पैनम से मदद मांगना। और अगर वी पैनम से मदद मांगता है तो पैनम सोल और वी मिलके एक नाइट कॉर्प कॉर्पोरेशन के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे कब्जा करने का फैसला करता है जिसके अंदर से एक ट्रेन लाइन बन रहा है और उस बिल्डिंग के अंदर एक सुरंग बना के सीधे अरासाका टावर के नीचे घुसा जा सकता है। उस बिल्डिंग को मिलिट्री कॉर्पोरेशन के प्राइवेट मिलिट्रीज और ड्रोन्स गार्ड कर रहे हैं इसलिए उनको उनसे भी लड़ना पड़ेगा। प्लान के मुताबिक अरासाका टावर में घुसने के बाद वी ऑल्ट को मिकोशी में इंसर्ट कर देगा और ऑल्ट मिकोशी के सारे कैद किया हुआ डिजिटल सोल्स को आजाद करते हुए वी को सोल क्लियर प्रोग्राम के मदद से बचा लेगी और वहां से निकलने के समय पैनम की क्लैन अरासाका के सारे कीमती टेक्स को चुरा भी लेंगे। प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले वी साइबर स्पेस में फिर से जाके ऑल्ट से मिलता है जहां ऑल्ट वी को उसका एक प्रोग्राम को एक चिप में इंस्टॉल करके देती है। उस प्रोग्राम को अरासाका टावर में मिकोशी के अंदर इंसर्ट करने से ऑल्ट वहां घुस पाएगी और मिशन को शुरू करने से पहले सोल सबके सामने वी को भी उनके क्लैन का मेंबर घोषित करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन सभी मिलके नाइट कॉर्प के बिल्डिंग पे कब्जा करने निकल जाते हैं। और पैनम सोल के साथ सुरंग बना के अरासाका टावर में घुस जाते हैं और अरासाका गार्ड से लड़ते हुए वी ऑल्ट के प्रोग्राम को वहां के सिस्टम में घुसा देता है पर मिकोशी में घुसने के समय उधर एडम स्मैशर आके सोल को मार देता है और वी उससे लड़ते हुए उसको अंत में मार के सोल और जॉनी का बदला ले लेता है। मिकोशी के अंदर घुसने के बाद ऑल्ट सोल किलर प्रोग्राम के मदद से जॉनी और वी के कॉन्शियसनेस को एक दूसरे से अलग कर देती है पर ऑल्ट बताती है वी के बॉडी में इतना दिन वो बायोचिप रहने की वजह से वी का डीएनए रिकॉन्फिगर हो गया है और अब वी का इम्यून सिस्टम उसके ही ब्रेन सेल्स को अटैक करेगा जिसके वजह से वी के कॉन्शियसनेस को वापस उसके बॉडी में डालने के बाद वी 6-7 महीने के अंदर मारा जाएगा और इस चीज का कोई इलाज भी नहीं है। ऑल्ट बताती है उस बायोचिप के नैनाइट्स वी के बॉडी को परमानेंटली जॉनी का बना दिया है और सिर्फ जॉनी का कॉन्शियसनेस ही उस बॉडी में आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के रह पाएगा। इस सिचुएशन में वी यानी प्लेयर्स को दो ऑप्शन दिया जाता है या तो वी अपना किस्मत को अपना के जॉनी को उसका बॉडी गिफ्ट करते हुए ऑल्ट के साथ साइबर स्पेस में चला जाएगा या फिर जॉनी का कॉन्शियसनेस ऑल्ट के साथ साइबर स्पेस में चला जाएगा और वी का कॉन्शियसनेस वापस उसके बॉडी में आ जाएगा।
वी अगर उसके बॉडी में वापस आने का फैसला करता है तो पैनम वी और उसके क्लैन को लेके नाइट सिटी के बाहर सेटल हो जाती है और वी अपने कुछ महीनों के लाइफ हैप्पीली पैनम के साथ गुजारने लगता है। मेरा मानना है ये इस गेम का बेस्ट एंडिंग है क्योंकि वी यहाँ पे किसी की बातों से इन्फ्लुएंस ना होके अपनी मर्जी से बाकी के लाइफ के साथ क्या करना चाहिए वो डिसाइड करता है। भले ही वो बहुत ही छोटा लाइफ हो पर वी और पैनम दोनों ही उस लाइफ के हर एक पल को एंजॉय करते हैं। इस गेम में और भी बहुत सारे एंडिंग्स दिया गया है। अगर वी एरासेका टावर में घुसने से पहले पैनम और उसके क्लैन से मदद नहीं लेता है और जॉनी को उसके बॉडी का फुल कंट्रोल दे देता है तो जॉनी रोग और उसके साथियों के साथ मिकोशी तक पहुंच जाता है जहां एडम स्मैशर रोग को मार देता है और जॉनी गुस्से में एडम स्मैशर को मार के उसका बदला ले लेता है। और बाद में मिकोशी के अंदर अगर वी जॉनी के कॉन्शियसनेस को अपना बॉडी गिफ्ट करके ऑल्ट के साथ साइबर स्पेस में जाने का फैसला करता है तो जॉनी वी के बॉडी में एक नए जीवन की शुरुआत करता है। और एक एंडिंग में अगर वी हैना को एरासेका के मदद करके उसके भाई का असलियत सबके सामने लाता है तो हैना को वी को एरासेका के लैब में इलाज के लिए भेज देती है। वहां वी को पता चलता है हैना को सोल किलर प्रोग्राम के मदद से उसके भाई योरिनोबू के कॉन्शियसनेस को मिटा के उसके बॉडी में उसका पिता सैबुरो एरासेका के कॉन्शियसनेस को डाल दिया है। कुछ दिनों के बाद एरासेका इंजीनियर एंडर्स हेलमन वी से मिलके उसको बताता है। उनको जांच करने के बाद पता चला है भले ही उस बायोचिप को वी के दिमाग से निकाल दिया गया है पर वी और कुछ दिनों का मेहमान है, उसे किसी भी तरह बचाया नहीं जा सकता है। वी यानी प्लेयर्स को तब ऑप्शन दिया जाता है या तो वो अपने कॉन्शियसनेस को सोल किलर के मदद से मिकोशी के अंदर स्टोर करके रख सकता है जिससे वी साइबर स्पेस में अमर बन जाएगा पर मिकोशी में एक कैदी बन के भी रह जाएगा, या फिर वी अपने बॉडी के अंदर अपने बाकी का जीवन उस लैब से निकल के अपनी मर्जी से बिताएगा। और एक एंडिंग में वी किसी से मदद मांगने से पहले और एरासेका टावर में जाने से पहले ये रियलाइज करता है कि वो अपना जान बचाने के लिए बहुत सारे लोगों की जान दांव पे नहीं लगा सकता है और वहां पे ही वो खुद को गोली मार के सुसाइड कर लेता है। एंड ऑफ द डे कोई भी एंडिंग मिले ये तय है कि वी का कॉन्शियसनेस अगर मिकोशी से वापस उसके बॉडी में लौट आता है तो कुछ महीनों के अंदर उसका मरना तय है और अगर वी जॉनी के कॉन्शियसनेस को अपना बॉडी गिफ्ट कर देता है तो जॉनी बिना किसी प्रॉब्लम के वी के बॉडी में एक नया जीवन बिताना शुरू करता है। तो ये था साइबरपंक 2077 की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Ronan Taholic.